थैंक यू सो वेरी मच रणधीर पाल जी, थैंक यू सो मच पॉप सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया पुनः अपनी सभी लीडर्स के साथ इंट्रोड्यूस होने के लिए, रूबरू होने के लिए। साथियों, जैसे हमारे क्राउन डायरेक्टर काबिल साथी राजेंद्र पाल जी ने बताया मेरे बारे में, ऑलमोस्ट बहुत लोग परिचित हैं, बट फिर भी थैंक यू सो मच राजेंद्र जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। वेलकम सर। और मेरा जो सफर रहा वो आप सबके सामने है। आज मैं सक्सेस स्टोरी के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, आज मैं आपको कोई स्लाइड के माध्यम से कुछ नहीं दूंगा, बट आई विल टॉक समथिंग हार्ट टू हार्ट, क्योंकि बड़ी सारी चीजें लाइफ में ऐसी हैं जो आपको कई बार सीधे संवाद से समझ आती हैं। तो आप कुछ नोट्स जो उसी दौरान बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैं आपको कहने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। और राजेंद्र जी, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था तो मैं शायद वीडियो आपको ज्यादा समय के लिए ऑन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो लोग अभी हैं, मैं थोड़ा सा फॉर ए सेकेंड, बिकॉज फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के ही प्रोग्राम को संचालित करूंगा और आई विल बी देयर। सो पॉप सिंह सर यहाँ पर आए हुए हैं, और जहाँ पर लोकेश सिटी जी ने और मैंने दोनों ही मिलकर अभी वेस्टीज के हाउस फंड से, और बहुत जल्दी और आप में से बड़े सारे लोग अपने ड्रीम पूरा करेंगे। लगभग लगभग साथियों 38 साल जीवन गाँव में गुजारा, ये दुकान बदल के लाइफ बदलने के बिजनेस के अंदर जब शुरुआत हुई तो वास्तविक रूप में 7 वर्ष पहले इतना विश्वास नहीं था कि लाइफ इतना बड़ी हो जाएगी और इस तरह से सफलता आज होगी कि आज एक लग्जरी विला टाइप जो सोसाइटी के अंदर रहने का मौका मिलेगा। सो दिस इज राजेंद्र पाल जी, शायद आप पाए नहीं है बट अभी अंधेरा है, मैं बस अभी गाड़ी से आके खड़ा हूं। दिख रहा है सर, एक बार मैं चाहूंगा सर कि जो हमारी ऑडी है सर, आप एक बार दिखा सके, क्योंकि बहुत सारे साथियों का ड्रीम है, तो ड्रीम बिल्ड होगा सर इससे। ये है जी, और HR 51BS ये गाड़ी नंबर है 1629। बहुत लोग कई बार मेरे से, राजेंद्र जी गाड़ी नंबर मांगते हैं, मैंने कहा गाड़ी नंबर लेके क्या करोगे, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं आप दे दीजिए, और फिर वो करते क्या है, वो वेबसाइट पे जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ियों का, फिर वहां पे जाके नंबर डालते हैं, और फिर वो नाम नाम जब दिखता है सारा का सारा, उसके बाद दोबारा फोन नहीं आता, तो मैं पूछता हूँ किस लिए लिया था, कहना नहीं सर बस हो गया, क्लियर हो गया सर। तो गाड़ी नंबर HR 51BS 1629 है, आप जाके वाहन करके जो भी वेबसाइट और जो अपने ट्रैफिक की आती है आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी गाड़ी और यदि आप कह ही रहे हैं तो दूसरी गाड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों ही सोसाइटी के अंदर खड़ी हैं, एंड दिस इज ब्रेजा, ये 8313 ये कार नंबर है, राइट। तो बोथ ऑफ कार्स आर विद मी, और करीब करीब अभी ये 1.5 करोड़ के आसपास का ये फ्लैट यहाँ पे लिया, और उसके पीछे ही एक ऑफिस और जो है आनंद विलापुरी के अंदर। तो साथियों ये सब संभव हो पाया केवल केवल वेस्टीज के इस यात्रा से, अदरवाइज तो मैं अपनी जॉब कर रहा था, आई वॉज इन माई जॉब, और करीब 60-70 हजार रुपए की सैलरी से मुझे नहीं लगता कि आदमी दो गाड़ियां मेंटेन कर सके, इस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। करीब 12 कंट्रीज होने का मौका मिला, जाने का मौका मिला, और आज सब कुछ ऐसा लगता है जैसे लाइफ इज लाइक फ्लाइंग। सो यहाँ तक पहुंचने में क्या वो कोर चीजें मैंने फॉलो करी, और आपको क्या फॉलो करना चाहिए, वो चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आपको अब मेरे जो है फोटो से काम चलाना पड़ेगा, बाकी तो मैं आपके साथ हूँ, एंड आई विल गिव यू समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग जो आपके बिजनेस में आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने में आपको मदद कर सके। सो डायरी पेन बिल्कुल निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट अप द प्रोग्राम। तो आज मैं आपको जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके बिजनेस में राजेंद्र जी वॉइस राजेंद्र पाल जी क्लियर क्लियर है सर, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है कहीं कहीं पे। अभी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, वॉइस इज क्लियर राजेंद्र जी? हां क्लियर है, अभी आ रही है, नहीं आ रही है? जी जी क्लियर है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा सा और एक अच्छी डायरेक्शन में आ जाता हूं तब तक। सो राजेंद्र जी आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि आप मुझे नजर आ रहे होंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आवाज आ रही है, सिंपली आप तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, राइट। सो मैं आपसे बात कर रहा था, इस 7 साल के अंदर जो चीजें मैं सीख पाया है, जिस चीज को मैं अनुभव कर पाया, जो आप और हमारे बिजनेस में एक हमें बड़ी तरक्की देने में हमें मदद करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें बिल्कुल बाई हार्ट फॉलो करें, और आप उन्हें वैसे ही अपने नेटवर्क को देने का प्रयास करें जैसे वो आपके नेटवर्क
नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। बड़ी सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आप टाइम टू टाइम ले रहे हैं। मैजिकल माइंडसेट प्रोग्राम में लगातार आप लोगों के लिए सुबह टीम वाइज कर वॉइस ब्रेक कर रही है सर आपकी, कर रहा हूँ अभी आप लोगों के। अच्छा सर, मे बी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, अभी ठीक है प्रॉपसिंग सर? जी सर, सर अभी क्लियर है बिल्कुल। सर थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि आज फरीदाबाद में बारिश है, थोड़ा थी उस वजह से मे बी सिग्नल थोड़ा सा इधर उधर हो, यदि ना आए तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं होल्ड करके एक दो सेकंड की बात होती है फिर इंटरनेट दोबारा कनेक्ट हो जाता है। चलिए, सो मैं आपको जो अपने तजुर्बे से जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, देखिए इस बिजनेस में जब लोगों से हम मिलते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, जितने ज्यादा लोग आपके सिस्टम में आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में शामिल होंगे, आपका ग्रुप, आपके आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है, जैसे हम बड़े सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सुनते हैं। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आज से 20 साल पहले की यदि मैं बात करूं, तो 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन कराना या किसी को सिस्टम में लेकर आना एक भारी काम लगता था, और उस समय इतने इंफॉर्मेशन आईटी के टूल्स नहीं थे, उस समय इतनी सक्सेस नहीं थी। जब हमने 2013 में शुरू किया तो फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स नहीं थे, सेवाएं नहीं थी, और आज से 20 साल पहले की मैं नेटवर्किंग की बात करूं, जब इंडिया में शुरू हुई तब तो कोई लेना देना ही नहीं था, तब तो बिल्कुल सन्नाटा था, और इतने ज्यादा कम्युनिकेशन सेटअप नहीं थे, एक एक फोन करने में आदमी को लगता था यार फोन क्यों करूं, क्योंकि आउटगोइंग भी लगती थी। तो 20 साल पहले की नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में और आज की जर्नी में बड़ा फर्क है। ठीक उसी तरह से यदि आप 20 साल पहले के अपने गांव की सड़कों को देखो, शहर की सड़कों को देखो, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, तो राजेंद्र पाल जी 20 साल पहले की मकान दुकान और आज के मकान दुकान में कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, आज की कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अलग है, आज का पहनाव बिल्कुल अलग है, आज की रेट में इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल अलग है, सब चीजों में एक बहुत मेजर चेंज आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर, ये सब का सब आया है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी उतना ही बदल गया है, चीजें काम करने के तरीके बदल रहे हैं, मतलब नेटवर्क तो 2000 आज से 20 साल पहले भी लोग बना रहे थे और आज भी लोग नेटवर्क ही बना रहे हैं। पहले भी कंपनियां डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम से काम करती थी, आज भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे काम करती हैं, लेकिन पहले के समझ में और आज के समझ में, पहले के काम करने के तरीके में और आज के काम करने के तरीके में बड़ा सारा बदलाव आया है, और उस बदलाव के अंदर लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो 2020 में थी वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राइट, जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ 20 साल पहले, उस समय सेवाएं कम थी, प्रोडक्ट कम थे, कंपनियों पे लोग विश्वास नहीं कम करते थे। ओके, नो प्रॉब्लम, आज विश्वास बढ़ा है, आईटी का जमाना है, आज की पीएचडी चैंबर्स, आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के अपने पैनल्स आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी बात करते हैं, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं, जो पहले भी उतनी इंपॉर्टेंट थी और आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उन बेसिक्स के बारे में चर्चा आपको करूंगा। देखिए, जब भी कोई प्लेयर, आप बड़ा महान प्लेयर देखेंगे, आप सचिन सर के बारे में बात करो या किसी भी, आप हुसैन बोल्ट सर के बारे में बात करो, कहते हैं कि 20 वर्ष उन्होंने अपने जीवन में केवल 2 मिनट की दौड़ दौड़ी और उस 2 मिनट की परफॉर्मेंस में उनके पास 12 से ज्यादा गोल्ड मेडल हैं और इतनी नेटवर्थ है कि उनकी पूछो मत, और उस 2 मिनट की दौड़ को ट्रैक पे दौड़ने के लिए उन्होंने 20 वर्ष का लंबा प्रयास किया, 20 वर्ष अपने आप को तपा, अपनी तपस्या करी, तब जाकर वो इतने महान प्लेयर, इतने बड़े धावक बने पूरी दुनिया के, जो हुसैन बोल्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो आप और हमारे अंदर भी ऐसे ऐसे हुसैन बोल्ट, हमारे और आपके अंदर भी ऐसे सचिन सर जैसी परफॉर्मेंस की जो है ललक वाले है, हमारे पास भी ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं। हमें वो इतने बड़े क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर कभी बेसिक्स को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा अपनी प्रैक्टिस और अपने निरंतर अभ्यास को कभी नहीं छोड़ा, और इस वजह से आज वो बड़े हुए। और उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका बड़ा होना भी तय है, बशर्ते आप और हम अपने बिजनेस के अंदर बैक टू बेसिक, यानी कि बहुत सिंपल साधारण चीजों को उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ उन्हें फॉलो करें जितना नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए और जितनी वर्ल्ड वाइड लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ लिखवाऊंगा और जो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी कमिटमेंट बोले तो, देखिए इस बिजनेस में जब कई बार लोग कहते हैं कि सर एक आदमी आया, जब जुड़ा तो बड़ा एक्साइटेड था, बड़े बड़े बातें कर रहा था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्राउन तो मैं 2 महीने में हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, और इस बिजनेस के अंदर जब लोग प्लान देखते हैं ना, तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट फेज होता है, एक्साइटमेंट फेज के अंदर
पर्सन जो है ना वो सोचता है कि मैं इस बिजनेस में, राजेंद्र जी ने तो 3 साल में किया है, मैं अगले 6 महीने में करूंगा, अच्छी बात है करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा नेचर नेचर जो है ना नेचर नेचर के कुछ रूल हैं, नेचर यानी कि प्रकृति के कुछ नियम हैं। प्रकृति बहुत बड़ी है लेकिन वो भी नियम और कानून से बंधी है राजेंद्र पाल जी, राइट पॉप सिंह जी, नेचर के भी अपने रूल है। नेचर में इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है वो भी रूल से चलता है, कुछ कमिटमेंट से चलता है, कुछ नियम कानून से चलता है, राइट। इतना बड़ा देश दुनिया है, इतना बड़ा ट्रैफिक कहां से कहां दौड़ रहा है, सड़कें भरी पड़ी हैं, हवा में देखो तो वहां जहाज भरे पड़े हैं, पानी में देखो तो समुद्र के जहाज चले हुए हैं पानी, सो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बेसिक नियम कानून हैं जो इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल के रखते हैं। राजेंद्र जी मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। आप अपने आप को अनम्यूट ही रखिए ताकि मैं आपके संवाद करते हुए मैं आपसे बात कर सकूं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑल टुगेदर व्यवस्था कितनी ही बड़ी हो, राइट, संस्था कितनी बड़ी क्यों ना हो, ऑर्गेनाइजेशन कितनी ही बड़ी हो सकर क्यों ना कर लो आप, लेकिन यदि आपके पास उसके बेसिक कमिटमेंट हैं, यदि आप उनकी बेसिक चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो चाहे आप 10 लोगों के नेटवर्क को चला रहे हैं, चाहे आप 10,000 लोगों के नेटवर्क को ड्राइव करिए, चाहे आने वाले समय 10 लाख लोग या 10 करोड़ लोग आपके नेटवर्क में हो जाएं, आपको नेटवर्क को ड्राइव करने में, नेटवर्क को एक सफल नेटवर्क बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको मैं बता दूं आपको 10 लोगों को संभालना भारी हो जाएगा, 5 लोग आपका खून पी जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क के अंदर, इतनी सारी तपस्या करा देंगे आपसे, इतनी ज्यादा चैलेंज आपके लिए होगा। आप हमेशा यदि जिस नेटवर्क में ज्यादा समस्याएं आती है, जिस नेटवर्क के अंदर लीडर को ज्यादा सवाल रहते हैं, जिसमें हर समय कोई ना कोई सर ऐसा वैसा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कोई कंपनी के बारे में बात करेगा, इतनी कंपनी आ गई, ये हो गया वो हो गया, सर ये आदमी वहां चला गया, इसको कोई चाचा ने नेगेटिव कर दिया, मामा ने नेगेटिव कर दिया, फलाने ने ये बोल दिया, ढिकाने ने ये बोल दिया, किसी ने प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल दिया, किसी ने बोला ये तो फलानी जगह प्रोडक्ट और सस्ते मिलते हैं, तो ऐसे सवाल यदि आपके नेटवर्क में निरंतर लगातार आते हैं कि सर मैं लोगों को बताता हूं तो लोग बताता बहुत अच्छा हूं लेकिन वो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अभी एक राजेंद्र जी एक सीए हैं जिन्होंने मेरे नेटवर्क में और क्या नाम है, मैं उनसे बात कर रहा था, वो मेरे से कह रहे थे कि सर मैंने ये बताया तो क्या मैंने सही बताया, वो हर बार मेरे से यही पूछते थे कि आज मैंने सही बताया, क्या आज मैंने सही बताया, क्या मैंने कुछ चीजें छोड़ दी, तो मैं पूछता था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने प्लान बिल्कुल परफेक्ट बताया, सब कुछ बहुत बढ़िया बताया, लेकिन वो बार बार मेरे से कहते थे कि सर मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। मैंने कहा आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप प्लान दिखा रहे हो तो लोग आप गलती कर रहे हो, कहना जी मुझे जब लोग ना सामने से मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करते, लोग मुझे सामने से ना खुद चल के नहीं बोलते, तो मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा इस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी मुझे फिर ध्यान आया, मैंने कहा शायद कुछ बेसिक चीजें मैं इनको ड्राइव करने में बता नहीं सका, जिसमें एक चीज कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, जो हम अक्सर सुनते हैं, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब कि 10 लोगों को बात करोगे 2 लोग आपकी बात को सुनेंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज कब से चला रहा है, 20 वर्ष पहले जब से नेटवर्क मार्केटिंग चली है तब से हर नेटवर्क मार्केटिंग की किताब लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, 10 से बात करोगे 10 को कॉल करोगे 6 लोग आपकी 6 लोगों का नंबर डायल होगा, 4 लोग आपके फोन को उठाएंगे 3 लोग आपकी हेलो सुनेंगे, 2 लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, 1 आदमी आपकी मीटिंग की तरफ बढ़कर आएगा और एक व्यक्ति आपको ज्वाइन करेगा। तो ये लॉ ऑफ एवरेज आज से नहीं है, सवाल ही जवाब किताब के अंदर इतना बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, पर फिर भी क्योंकि हमारे साथ लोग ज्वाइन होते हैं हमें तो लगता है कि ये तो सीधे आते ही ज्ञानवर्धक बातें लेकर आए होंगे, इनको तो इन्होंने सारी बातें इनको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सभी लोग जीवन में चंपक कहानियां पढ़ के आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उन्हें इस कुछ ऐसे बेसिक्स और रूल गाइडलाइन हैं जिन्हें उन्हें बताना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसी चीजें लिखवा रहा हूं जिस सब्जेक्ट को मैं लिखता हूं, आप लिखिए BOP बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, BOP बी फॉर बॉम्बे, BOP बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो लोग राजेंद्र सर आपकी टीम में ज्वाइन करें, ये बहुत अति आवश्यक चीजें रहेंगी जो आप अपने नेटवर्क में ड्राइव देंगे। BOP का मतलब है बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आज मान लो किसी ने ज्वाइन किया, आज तारीख है मान लो 30 तारीख है या 20 तारीख है, महीने की 20 तारीख है, आज उसने ज्वाइन किया तो अगले 15 दिन नेक्स्ट 15 डेज, देखिए जब कोई इंश्योरेंस के अंदर होता है ना तो वहां पे फ्री लुक पीरियड होता है, कभी किसी ने इंश्योरेंस में काम किया फ्री लुक पीरियड होता है, किसी ने पॉलिसी डाल दी तो 15 दिन तक वो अपनी पॉलिसी वापस कर सकता है। क्यों फ्री लुक पीरियड दिया है, ताकि भाई
वो अच्छे से सोच समझ के, मान लो किसी ने उसको समझाया, उसको उस दिन बहुत अच्छी लगी पॉलिसी या उस दिन उसको इंश्योरेंस को अच्छा से समझ में आया, घर जाके उसका मूड बदल गया, उसको समझ नहीं आया, किसी ने उसको कुछ कह दिया, तो उसके पास वो 15 दिन है ताकि वो अपनी पॉलिसी को रीलुक कर सके और वापस उसमें कुछ चेंज चाहे, टॉपअप करना चाहे, एड ऑन करना चाहे या रिवर्स करना चाहे या ना लेना चाहे, तो उसके पास 15 दिन है। 15 दिन इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां देती है IRDA ताकि वो दिमाग ना खाए, नहीं तो 15 दिन नहीं देंगे तो लोग जाके कहीं कोई केस कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, इतनी तो पॉलिसी नहीं होगी जितने जाके IRDA पे लोग केस करके बैठे होंगे, अरे हमसे पैसे लूट लिए, हमसे ये कर दिया, हमसे वो कर दिया, हमसे गलत पॉलिसी ले ली, हमें समझाया नहीं, हमें बताया नहीं। तो एक बहुत क्लियर कट जोन में आदमी को फ्री लुक पीरियड देते हैं। राजेंद्र जी समझ रहे हैं आप मेरी बात? राजेंद्र जी आवाज आ रही है? बिल्कुल, फ्री लुक पीरियड होता है जिसमें वो आराम से तसल्ली से, मान लो आज मैंने उसको जबरदस्ती दे दी, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा टारगेट है, मेरा फलाना है, ले यार मर गए यार, दिक्कत है, परेशानी है, तो आदमी कहता है यार तू चेक ले, पत, पत, जा यहाँ से। लेकिन 15 दिन फिर भी IRDA इस तरह के रिलेशनशिप वाले बिजनेस में, जहां पर कुछ ओवर कमिटमेंट के साथ बिजनेस आ जाता है, कहीं रिलेशनशिप की कॉल में लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस 15 दिन के अंदर उसके पास फ्री लुक टाइम होता है। उस 15 दिन के अंदर वो कम से कम एक सही दिशा लेने पर सही से अपने आप को आगे बढ़ सकता है। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी ये पहले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है उस नए व्यक्ति के लिए जो आपके साथ बिजनेस में आया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जब आप जॉब में गए होंगे पहली बार, तो हर ऑर्गेनाइजेशन पहले 5 दिन 6 दिन 3 दिन 4 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती है। हम क्या कंपनी है, हम किस तरह की पॉलिसी कंपनी है, हमारा क्या स्ट्रेटजीज है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे यहाँ की क्या सफलताएं हैं, हमने क्या लैंडमार्क हासिल किया है, हम ऑर्गेनाइजेशन के कौन से, किस तरह की हमारी वर्क कार्यशैली है, ये सारी की सारी चीजें आप और हमें बताई जाती हैं उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे भी अपने उस नए लीडर को जो बिजनेस में आया है, उसे पहले 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज आपने उसको रखना है BOP प्रोग्राम में, प्रोग्राम के अंदर, और उसको एक चीज पूछना है कि भाई इस बिजनेस में आप केवल प्रोडक्ट लेने आए हो तो बात अलग है, लेकिन यदि आप इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम करने आए हो, कार्बुक आप दिखाते हो और चीजें दर्शाते हो कि भाई कैसा लगेगा आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए, तो राजेंद्र जी कोई मना नहीं करता उस समय कि यार ऐसी नहीं होनी चाहिए। Nobody says no to you। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। और हमारी एक भूल नहीं कहूंगा, लेकिन ना पता होने की वजह से, या मैं कहता हूँ सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से, हम अपने उन नए लोगों को वो 15 दिन का फीड, या उसे कहते हैं BOP प्रोग्राम, आज हमें अपने नेटवर्क को देना है। हम उसमें से कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन यदि वो एक सिलेबस की तरह दे दिए जाए, तो मैं आपको बता दूं, आप और आपके यहाँ पर हमारे नेटवर्क में एक जबरदस्त तरीके का मोमेंटम क्रिएट होने वाला है आफ्टर दिस। ये बात आप समझ लो, राइट? 15 दिन के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में या तो व्यक्ति कमिटेड होकर काम करेगा, या व्यक्ति आपके समय को जाया नहीं करेगा। एक बार क्या हुआ, इस समय को जाए से मेरा मतलब, उसको लगेगा ये मेरे लिए नहीं है, उसको लगेगा इसमें मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो भी उसको समझ आता है। इस मैं आपको जो 15 दिन का रनडाउन बताने वाला हूँ ना, कमाल की चीज बताने वाला हूँ। आप कहोगे सर मजा आ गया, यदि ये करूं तो कमाल हो जाएगा, और कम से कम आपका समय बचेगा, एज ए लीडर आपका समय बचेगा, क्योंकि बड़े सारे लोग ना आप जैसे होते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ जाती है, ज्यादातर उल्टा है, उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे होनी चाहिए, हम उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं, और जब वो नहीं काम करते, नहीं PV करते, नहीं कंसिस्टेंसी करते, एक बार करके दोबारा नहीं करते, तो हमें बिल्कुल मातम सा छा जाता है कि यार कहां गलती होगी, आदमी तो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन क्योंकि उसको फ्री लुक पीरियड BOP बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम या 15 दिन के उस कनेक्शन से कनेक्ट नहीं किया, तो वो कभी वो कई बार फिर वो भटकाव में ही रहता है। तो वो चीजें मुझे आपको आपको समझानी है। तो 15 दिन बाद या तो वो ओवर कमिटेड होकर काम करेगा, या 15 दिन बाद वो आपका समय जाया नहीं करेगा। एक चीज समझ लीजिए, इस बिजनेस में जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आपको किसके साथ काम करना है, उसके साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि आपको किसके साथ काम नहीं करना है जी, राइट? और ये 15 दिन देखो, एक एक सांप के बिल में हाथ डालकर देखोगे कि महाराज अंदर है या नहीं है, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। पानी डालो ना, निकल के बाहर आ जाएगा, पता चल जाएगा महाराज अंदर बिल में बैठे हैं, मॉर्निंग वॉक पे गए हैं या कहाँ हैं, राइट? तो ये 15 दिन में जो चीजें मैं आपको दूंगा, ये उसकी कमिटमेंट को दर्शाएगा कि सामने वाला क्या वास्तव में 1-2 लाख रुपए की इनकम के लिए, देखो फौज में आदमी भर्ती होता है, आर्मी में आदमी भर्ती होता है, यार कितना चेक करते हैं आप, गांव देहात के लोग मार्केट में जब दिवाली के पास या मटका लेने जाते हैं, पानी का 4 बार बजा के देखते हैं, आप मार्केट में टमाटर लेने जाते हैं, बात करते करते उसको चारों तरफ से डायग्राम उसका चेक कर लेते हैं कि पिलपिला तो नहीं है, लेकिन आदमी जैसा मर्जी आ जाए, सड़ा भूसा जैसा मर्जी आ जाए, सब हमारे बिजनेस में भर्ती है, ओ भाई ऐसा नहीं है,
आपको अपनी लीडरशिप में आपके ज्यादा नहीं, आपको 16 ऐसे प्लेयर चाहिए जो आपकी ताज जिंदगी बदल देंगे और 3 से 4 लोग आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सो ये 3 से 4 लोग, ये 5 लोग, ये 6 लोग आपके उस नेटवर्क ओरिएंटेशन में, आप उनका चुनाव किस आधार पे करें? आपके पास कोई तो ऐसा मापदंड हो कि भाई जैसे हाइट होती है, वेट होता है, स्टेमिना होता है, 5 मिनट में इतनी दौड़ कितने देर में पूरा कर रहा है, ये फिजिकल मेंटल, ये सारे पैरामीटर्स क्यों होते हैं एक आर्मी के अंदर किसी आदमी को लेने के लिए? क्योंकि भाई यदि ये नहीं होंगे, हाइट प्रॉपर नहीं होगी और उस लेवल का वेट नहीं होगा, तो वो वहन नहीं कर पाएगा, मशीन गन नहीं उठा पाएगा, उतना जंगल में दौड़ नहीं पाएगा, उतनी टफ कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाएगा। आप उसे भर्ती करके रादर उसको, उसके लिए आप एक जो है मृत्यु द्वार खोल रहे हैं, तो आपको और मुझे समझना है कि इस 15 दिन में मुझे नए नेटवर्क के लिए क्या काम करना है। सो माय डियर फ्रेंड, आइए समझते हैं उस चीज को और आगे बढ़ते हुए इस 15 दिन के अंदर मुझे क्या करना है। राजेंद्र जी, पहली चीज लिख लीजिए, फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, नए आदमी को आपको पहले 15 दिन में, लोग आते हैं, लोग लगा देते हैं उसे काम पे, चल बेटा जुड़ गया, अब चल लोग जोड़ना शुरू कर दे, लोगों से बात करना शुरू कर दे, है चल आज इस, आप कल 2-3 लोगों का फॉर्म भर दे, सर बिल्कुल हमने, उसने बड़ा सारा काम करना है आपके साथ मिलकर, ये 10 दिन या 5 दिन या पहले हफ्ते या पहले 15 दिन यदि वो किसी आदमी को ज्वाइन नहीं कराएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 महीने बाद आपको वो तंग करेगा, एक एक आदमी के लिए फील्ड में दौड़ाएगा, आपके बिजनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा, आपकी आपको सही से टी अप नहीं करेगा, आपकी लीडरशिप को वैल्यू नहीं करेगा सर, वो और उससे भी बड़ा भार है, एक पहले तो वो खुद था, अब 1-2 लोगों को और उसने जोड़ दिया, पहले तो वो ज्ञानवान नहीं, ऊपर से 2 अज्ञान और उसने शामिल कर लिए, पहले तो एक, पहली सैलरी 5,000 थी, पहले इतने खर्चे थे, 2 और पैदा हो गए और खर्चे बढ़ गए, ये ठीक उसी तरह है। आपको अपने बिजनेस के अंदर इस पहले 15 दिन के अंदर क्या करना है, आइए उस कमिटमेंट को लेते हैं, उसको बोलो भैया ताज जिंदगी हम लंबा बिजनेस करेंगे, लेकिन चाहे हफ्ते भर की कमिटमेंट लो चाहे 15 दिन की कमिटमेंट लो, टाइम आप वेरी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1 हफ्ते में उसको बोल लो, नंबर 1 आपको किसी को बिजनेस नहीं दिखाना, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आपको नेटवर्क पहले 15 दिन नेटवर्क नहीं बनाना, या पहले 7 दिन आपको ज्वाइनिंग के बारे में कोई बात नहीं करनी। ये ऐसा शब्द है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अब तक लोगों के लिए बिल्कुल विपरीत है, मैं जानता हूं विपरीत है, लेकिन एक अच्छा एक्सपेरिमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, अदरवाइज लोग जुड़ते हैं, लोग तो ये कहते हैं भाई साहब तुम भी मेंबर बन जाओ और 10-12 मेंबर और बना दो, जनरल भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ऐसे ही फील्ड में करते हैं। आप पहले एक ऐसे व्यक्ति जो उसको बोल रहे हैं कि भाई साहब जुड़ गए, वेरी गुड, अब आपको पहले 15 दिन क्या करना है इस बिजनेस में, यदि आपको मेरी तरह से कामयाब होना है, लोकेश सेठी सर की तरह कामयाब होना है, पॉप सिंह सर की तरह कामयाब होना है, विष्णु सर की तरह कामयाब होना है, राजेंद्र सर की तरह कामयाब होना है, तो आपको पहले 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, एक चार्ट आपने बनाना है राजेंद्र पाल जी, और ये चार्ट आपने हर नए नेटवर्क को, हर नई डाउनलाइन को देना है, और उसको बोलना है कि यदि आप ये कर रहे हो तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, और यदि इनमें से कोई आपने काम नहीं किया है तो मैं बता दूं 99 में 1 जोड़े बगैर 100 नहीं होता, 100 होता है, 99 होता है, राइट। तो आपको ये पहले ये पॉइंट क्या है आइए समझते हैं। पहला बड़ा बड़ा लिख लीजिए, किसी को आपने पहले 15 दिन में स्वयं प्लान नहीं दिखाना, वेस्टीज का वी नहीं बोलना, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा तो लोग अपना सुसाइड खुद कर लेते हैं, मार्केट में जाते हैं 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, वो उनकी बात को समझते नहीं है, जनरल यही होता है। स्ट्रिक्टली नो का बोर्ड लगाना है, स्ट्रिक्टली नो का मतलब हजारडियस उन्हें बता दो कि यदि आप ये करने जाओगे और यदि आप ये करने जा रहे हो तो मैं आपको अभी बता दूं आप इस बिजनेस में अगले कुछ दिनों के बाद आप नजर नहीं आएंगे। प्रिकॉशन जैसे खंभे पे लगा होता है ना, खंबे पे लिखा होता है, हाई टेंशन में लिखा होता है ना, वो भूत बंगला बना होता है कि इस तरफ आए, इस तार की तरफ आए तो जैसी ये खोपड़ी बनी हुई ना, ऐसी खोपड़ी आपकी हो जाएगी, वो डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है, राइट। हजार्डियस प्रिकॉशन यानी कॉशन कहते हैं, बस चेतावनी लिखी होती है। तो आपके लिए पहली चेतावनी क्या है राजेंद्र जी, क्या चेतावनी है? पहली चेतावनी ये कि अगले 15 दिन तक आपको किसी को टाइम दो, राइट। चलिए पहली बात। दूसरा काम जो करना है, आपने अपने प्रोडक्ट भूल कर भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी और को नहीं देने, नहीं देने मींस नहीं देने। ये 1,000-2,000 रुपए
आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सैलाब लेकर नहीं आएंगे, उनको बोलिए मेरे तजुर्बे में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आए, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करे, चार लोगों ने सवाल किया चाय में चीनी कितनी है पीने से पता चलेगा, 100% यूजर क्यों होना आवश्यक है, इसके दो चार एग्जांपल आप उसे दीजिए। अति अति आवश्यक ये काम है, अति आवश्यक करना क्या है, पहले बात क्या नहीं करना, प्लान नहीं दिखाना, स्वयं बात नहीं करनी, दूसरा जो करना है वो है आपको एक ही काम, बी 100% यूजर, ये प्रोडक्ट अगले 15 दिन आराम से तसल्ली से इस्तेमाल करो और इस 15 दिन के अनुभव को अपने अंदर लेके आओ, अपने परिवार के अंदर लेके आओ, ये दूसरा काम है, राइट। डोंट क्या है, डोंट शो द प्लान, डूज क्या है, यूज द प्रोडक्ट। दो काम कंप्लीट हो गए, पहले कुछ कमिटमेंट पीरियड में दो चीजें कंप्लीट होगी, राजेंद्र जी बिल्कुल सर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इस 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट के अनुभव से मैं आपको अश्योर करता हूं कि उसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी, अगले महीने वो प्रोडक्ट के कंजप्शन की तरफ भी बढ़ेगा और दो चीजों को देखेगा और आगे बढ़ेगा, दो चीजें कंप्लीट होगी। आइए चलते हैं तीसरी चीज के ऊपर, उसको बोलना है कि आपको अगले 15 दिन में एक वीडियो आपको रोज देखना है, अगले 7 दिन 10 दिन जो भी आप उसे देना चाह रहे हैं, आपको रोज एक वीडियो, एक ट्रेनिंग आपको मैं आपको भेजूंगा, ये ट्रेनिंग आपको जरूर 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 देखनी है। इसके अंदर मैं बता दूं कौन कौन सी वीडियोस हैं, आप लिख लीजिए, राइट। पहली 3 वीडियो जो स्वयं कंपनी के एमडी द्वारा है, श्री गौतम बाली साहब द्वारा, राइट। राजेंद्र जी आप उनको बताइए कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो नौकरी करते थे और आज वो एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है, लेजेंडरी है पूरे एशिया की, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको आपकी जिंदगी में बदलाव के लिए कोई अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहे तो क्या आप अपनी जिंदगी का आधा घंटा पौना घंटा नहीं दे पाओगे, मोबाइल पे कहीं बैठे हुए देखते हुए क्या आधा घंटा आप कुछ देख पाएंगे, कौन मना करेगा, राइट सर। उनको बोलो जी मैं आपको रोज लिंक भेजूंगा, आपको देखना है और शाम को उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो 3 लिंक कौन से हैं जो लोगों के लिए जिंदगी भर के लिए सवाल रहते हैं, और वो 3 है, पहला वीआईपी प्रोग्राम के 3 मॉड्यूल या एनडीएस के 3 मॉड्यूल, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका, इसमें इतने सारे सवालों का जवाब है, मैं आपको बताना चाहूंगा यदि गलती से उस व्यक्ति ने एक बार सुन लिया, क्योंकि लोग अब एनडीएस तो हो नहीं रहे, अब जब होंगे तब देखेंगे, आप में से भी बड़े सारे लोग हैं जो जिन्होंने देखा होगा और भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नए आदमी को YouTube या वीडियो पर देखने में आसानी होगा और फिर उससे शाम को चर्चा कीजिए, आज के मॉड्यूल में हमने शायद ये पॉइंट आपने डिस्कस करे होंगे, आपको क्या समझ में आया, उनको बोलिए 5 चीजें मुझे आप बताओगे जब वीडियो आप सुनेंगे, ये आपकी कमिटमेंट है। उसके बाद इस 10 दिन के बाद फिर मैं आपके साथ तन मन धन से आपके साथ तैयार हूं काम करने के लिए, लेकिन मुझे 10 दिन आपकी एक ही कमिटमेंट चाहिए, किसी से बात नहीं करनी, प्रोडक्ट को यूज करना है और 10 दिन में या 15 दिन में आपको मैं 15 चीजें दूंगा, सिर्फ आपको YouTube पर आपको लिंक पर देखना है। क्या राजेंद्र पाल सर ये कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्या इसमें आपको जाकर उसके घर तक जाना है, बताना है, आपको ट्रेवल करना है, आपको समय जाया करना है, आपको पर्सनली निकल के जाना है, लॉकडाउन तोड़ना है, आपको कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है राजेंद्र जी, कुछ नहीं करना, नहीं नहीं बिल्कुल, सिर्फ आपको इसकी कमिटमेंट शीट में, ये पहली 15 की कमिटमेंट शीट बता रहा हूं मैं आपको कि ये वीडियो बिना देखे आप यदि वेस्टेज करना चाह रहे हो, लाखों की इनकम चाहते हो, सॉरी सर मैं अभी माफी चाहूंगा, यदि करोगे वांट मोर बी कोर, यदि आप कोर स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी आप मोर कर सकते हो, ज्यादा जा सकते हो, इन्हें करे बगैर नहीं जा पाओगे। पहले दिन से इंस्ट्रक्शन होती है, पहले दिन से फौज में इंस्ट्रक्शन होती है, पहले दिन स्कूल में इंस्ट्रक्शन होती है, भाई साहब 70% अटेंडेंस होगी तब एग्जाम में बैठ पाओगे, भाई साहब इतने टाइम आओगे तब पढ़ने दिया जाएगा, भाई साहब ये करोगे तब डिग्री मिलेगी, सर हर जगह इंस्ट्रक्शन है हमारे काम के अलावा, क्योंकि हमें लगता है अरे भगवान की दया से कैसे कैसे आ तो जाए, जुड़ तो जाए, फिर मैं तो डाउनलाइन बना दूंगा, मैं तो कर दूंगा, सर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल काम आसान नहीं है और ना ही इसे आसान बताइए, करना आसान है लेकिन काम आसान नहीं है, करना बहुत आसान है लेकिन काम आसान नहीं है, आसान क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल काम करने होते हैं उनको आदमी इग्नोर कर देता है और बाय डिफॉल्ट लेकर नेटवर्क बनाना शुरू कर देता है, कई बार अपलाइन ले लेता है, कई बार डाउनलाइन ले लेता है। तो पहली वीडियो क्या देखनी है उनको, क्या नाम है राजेंद्र जी, वेस्टेज को अपनी जीविका, बहुत बढ़िया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज या कल एक बार आप सुनिएगा और ऐसे सुनिएगा कि कल आपको ये करना है, मजा आ जाएगा आपको सुनकर, आपके कम से कम ऐसे अनसुलझे कई सारे सवाल आज भी हैं आपके दिमाग में, अरे सर मैं राजेंद्र जी अभी भी लोग सवाल करते हैं और ऐसे ऐसे लीडर करते हैं जो स्टार गोल्ड है, बिल्कुल इवन डायमंड है, और पता क्या पूछते हैं मेरे से, अरे सर ये कंपनी आ गई,
अरे सर ये आग लग गई तो क्या हो गया? और वेस्टीज के पहले मॉड्यूल में बाली साहब ने इतना बड़ा बड़ा खोल क्लियर करके बता रखा है, पहला वेस्टीज को जीविका क्यों चुनना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसी में बता रखा है वेस्टीज ही क्यों करें। बिल्कुल सर, राजेंद्र जी बता रहे, बता रखा नहीं बता रखा? बिल्कुल बता रखा सर, वेस्टीज ही क्यों चुने। मुझे एक बात बताओ, राजेंद्र जी दो का पहाड़ा तो आता है आपको? दो का पहाड़ा बिल्कुल आता है सर, दो एकम दो, दो दून चार, जो भी आता नहीं आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है, आता है नहीं आता है? आता है ना, आता है। अच्छा भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली सर, दिल्ली। अच्छा कोई बात नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली, वेरी गुड। अब बता दिया मैंने एक बार आपको भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली सर, बिल्कुल आपने बता दिया, आपको याद हो गया, पता चल गया। अब कोई राजेंद्र जी से पूछता है राजेंद्र जी भारत की राजधानी क्या है, तो राजेंद्र जी आधे आधे से राजेंद्र जी तो ऐसे हैं जो कहते हैं अरे एक सेकंड रुको मैं फोन लगाता हूँ पॉप सिंह जी को, वो मैंने उनसे पूछा भाई साहब वो पॉप भारत की राजधानी क्या बताई थी, आवाज नहीं आ रही, ये नहीं बोली, अरे भारत की राजधानी दिल्ली। फिर कोई पूछता है डाउनलाइन का, डाउनलाइन का, डाउनलाइन भारत की राजधानी क्या है? हाँ जी राजेंद्र जी क्या है भारत की राजधानी? जी सर दिल्ली, दिल्ली सर दिल्ली। और भाई एक बार जवाब मिल तो गया, वही जवाब देना है बार बार, जिसको समझ में आता ठीक है, नहीं आगे बढ़ो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बता तो रखा है बाली साहब ने, बिल्कुल। लेकिन सर एक नई कंपनी आई है, लोग उस तरफ भाग रहे हैं, सर एक नया प्लान आया, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सर ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सर कंपनी क्या कर रही है, फलाना क्या कर रही है, सर हम क्यों बेहतर है, मुझे बताना सर। और भाई साहब पहले मॉड्यूल में इतना अनुभव से बता रखा है उन्होंने कि आज करो चुनाव, कल करो चुनाव, परसों करो चुनाव। यदि किसी नए डाउनलाइन को, आपके नए लोगों को, जो मार्केट में लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ चिंटू चाट चूरन मसाला आ जाता है देने, अरे क्या लग गए वेस्टीज में, 6 लाख का प्लान है, फलाना है, ढिकाना है, यहाँ तो आधी लेग में काम हो जाता है, आधी हम घर रखते हैं, आधी सर पे रखते हैं और फिर नेटवर्क बना रहे हैं। देखो तुम कहां 6-6 नेटवर्क बना रहे हो। क्या हो गया राजेंद्र जी, अगले दिन उसका फोन स्विच ऑफ, जय हिंद जय भारत, समाचार समाप्त। और आपने इतना फॉलोअप, इतना क्या क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये, राइट? इसको कहते हैं नेगेटिव प्रूफिंग, लिख लो, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रूफिंग। पहले दिन से ही तीसरा स्टेप आपका है एज एन अपलाइन, बाकी के जो आगे स्टेप बता रहा हूं उसको नेगेटिव, नेगेटिव प्रूफिंग मतलब कि नकारात्मक चीजों पर उसका ध्यान ना जाए या वो उनसे परेशान ना हो, और कहीं ना कहीं आप उसकी कमिटमेंट हटे ना, उसकी प्राथमिकता आप हमेशा आपकी कंपनी रहे, उसके लिए जरूरी है नेगेटिव प्रूफिंग करना। और उसमें नेगेटिव प्रूफिंग के लिए मैं आपको कुछ एक ऐसे इनपुट्स दे रहा हूं कि आप उनको अगले 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में खुद बैठ के सुनो, उनको सुनाओ या जैसे भी आपको ठीक लगे। चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका, एक बात बताई गई है उसमें। दूसरा उसमें बताया गया है वेस्टीज ही क्यों चुने, राइट? वेस्टीज को ही क्यों निर्णय लें काम करने का, तो 5 बातें उन्होंने, सर ने बता रखी है। अब मैं आपको बताने वाले नहीं हूँ, आप सुनिएगा, मुझे ऐसा लगता है उसे क्यों सुनना आवश्यक है नए व्यक्ति को, ये मैंने उसका उसकी आपको मैंने बताया है। तीसरी चीज उसमें ये बिल्कुल बताया है कि आपके 1 घंटे की कीमत नॉर्मल लाइफ में क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके 1 घंटे की कीमत क्या हो सकती है। जब वो ये सुनेगा, जब वो आज के समय और आज का समय परिवर्तन के बारे में सुनेगा, वेस्टीज को जीविका के बारे में अटेंशन लेगा, वेस्टीज ही क्यों चुने इस बारे में समझेगा और 1 घंटे की कीमत का ये जानेगा, तो उसके लास्ट में एक डिसीजन बताया जाता लास्ट स्लाइड में, नौकरी या बिजनेस, आपका ये आपका चुनाव है। सो उसको क्लियर हो गया। अब आपने जो नेट जो पहली प्रेजेंटेशन में बातें करी इस, अब उसमें अब जो ये चीजें मैं बता रहा हूं इसमें कहीं नॉनिस पुलर नहीं है, इसमें कहीं प्लान कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कहीं एलओबी नहीं है, इसमें सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में पहला ये वीडियो है और बहुत कमाल का वीडियो है। आई सैल्यूट दिस वीडियो, कमाल की बात है ना, सड़क नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, बनी हुई सड़कों पे लोगों को दौड़ाइए ना। लेकिन तो ये वीडियो क्यों देखे, ये उसे बताने का फर्ज होगा आपका। बीओपी प्रोग्राम आप करेंगे, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपने सभी नेटवर्क के लिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर राजेंद्र जी, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अगली वीडियो जो उसको देखनी है, वेस्टीज में क्या करना है, 7 काम क्या करने हैं, राइट? वो भी एनडीएस का पार्ट है, मैं आपको भेज दूंगा। तीसरी वीडियो जो उसको अगले दिन देखनी है, वेस्टीज में क्या नहीं करना है, वेस्टीज में क्या करना है, वेस्टीज में क्या नहीं करना है, और वेस्टीज का चुनाव क्यों करना है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन से संबंधित उसके पास ये 3 वीडियो। राजेंद्र सर क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्लियर है सर।
बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब आ जाते हैं उसको, अब आ जाते हैं उसको प्लान की तरफ, राइट, प्रोडक्ट की तरफ। तो एक और वीडियो अगली लिखिए, जो वेलनेस सेशन मैंने किया हुआ है, चाहे आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, आप अपने नेटवर्क के हिसाब से बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो आप मेरा रिकॉर्डेड सेशन, आप उन्हें बोलिए कि सर कौन आदमी क्या खाए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, होता है राजेंद्र जी, नहीं होता? अनि तो आदमी पूछ रहा होता है सर इसमें क्या दे दूं, उसमें क्या दे दूं, कब तक खाना है, क्यों खाना है, पानी से खाना है, शहद से खाना है, दूध से नहाना है, राइट, सोने से पहले लेना है, सोने के बाद लेना है, क्या लेना है, कब तक खाना है, किस बीमारी में क्या नहीं खाना है, इतने सारे सवाल है। भाई साहब एक सेशन बना दिया, और सप्लीमेंट क्यों खाऊं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो दूध पीता हूं, मैं तो भैंस का दूध पीता हूं, मैं तो गाय का दूध पीता हूं, भाई ठीक है पीते हो, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्यों खाओ? देखो आज की डेट में, पहले राजेंद्र जी लोग क्या करते थे, अब तक लोग कहते थे भाई साहब बैंक बैलेंस बढ़ाओ, कोई कह रहा था भाई साहब खेत खलियान बढ़ाओ, कोई कहता था भाई साहब साम्राज्य बढ़ाओ, कोई कहता था जी है ना तनख्वाह बढ़ाओ, और आज लोगों का विषय हो गया इम्यूनिटी बढ़ाओ। बिल्कुल सर, हाँ जी, आज क्या बढ़ाने, आज क्या बढ़ाने पे दौड़ रहा आदमी, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अब वो इम्यूनिटी क्या है, क्यों खाए, आज क्या दिक्कत चैलेंज है, वेलनेस सेशन में बिल्कुल बता रखा। मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को यह सुनना बहुत आवश्यक है, जब वो वेस्टीज के प्रोडक्ट में उसका विश्वास और बढ़ाने में ये सेशन उसको मदद करने वाला है। राजेंद्र सर क्लियर हो गया कुछ? yes, ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के गांव किसान है तो वो वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, उस वीडियो का आप शेयर करें ताकि लोग उसको सुने। तो इस तरह से कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आप उनके ऊपर काम करेंगे, राइट। ये होगी उसकी स्किल सेट, किसके बारे में होगी सर राजेंद्र जी, ये स्किल सेट होगी उसकी। अब आ जाते हैं माइंड सेट के ऊपर, तीन वीडियो आप उन्हें क्या दे सकते हैं, जिसमें मैजिकल मॉर्निंग सेशन पॉप सिंह सर ने अटेंड कर रहे हैं, इनकी टीम ने, जल्दी कर दूंगा मैं दोबारा आपको, आप सुन लीजिएगा ताकि उसके मेंटल एटिकेट भी सही रहे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। गुड, तो मैंने आपसे बात करा, इस 15 दिन में रोज एक वीडियो देखेगा तो 15 दिन में कितने वीडियो देख लेगा, या 10 दिन में कितने वीडियो देख लेगा राजेंद्र सर? 15 वीडियो देख सकता है सर रोज, अगर एक देख रहा है तो वो देख सकता, नहीं देख सकता है वो 15 वीडियो की सीरीज में भेज दूंगा आपको, चिंता मत करो, आई विल सेंड। बिल्कुल। और इस 15 दिन में उसे दो किताबें पढ़नी है, कितनी किताबें पढ़नी है? दो किताबें पढ़नी सर। लिख लो किताब के नाम, पहला किताब लोक व्यवहार, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, क्योंकि उसको आगे से लोगों से मिलना है, आज तक वो लोगों के पब्लिक बिजनेस में नहीं रहा है, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है, पब्लिक कैसे सवाल करती है, कहां बोलना है, कहां चुप होना है, हां को ना को हमें कैसे बदले, ये तमाम बातें उस 33 पन्ने की बुक के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन में रोज दो पन्ने पढ़ेगा तो 15 दिन में 16 दिन में पढ़ लेगा, नहीं पढ़ लेगा एक किताब को राजेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लेगा सर, राइट। और एक किताब सवाल ही जवाब है, उसमें इतने बारीकी से समझा रखा है लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है बिजनेस में, जब आप बिजनेस करें तो व्यापारी क्या सोचते हैं, बिजनेस और नौकरी में की सोच में क्या फर्क रहता है, आपको लोगों के बिजनेस में जब आप हो तो आपको कौन से व्यापार के सूत्रों को फॉलो करना है, ये सब कुछ उस किताब में बता रखा है। और पीएमएफ कैसे ढूंढे, कई बार लगता है अरे इसको बताया तो इसने तो ज्वाइन ही नहीं किया, हो सकता आपने उसके पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को टच ही नहीं किया हो। पीएमएफ क्या होता है, वो एक स्टूडेंट है, आप बोलो जी इस बिजनेस में सिक्योरिटी मिलेगी, भाई स्टूडेंट को क्या चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए, कोई नव युवक है उसको क्या चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप मैच द कॉलम, जैसे घड़ी और कलाई, पतंग और धागा, राइट, एक 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 आता था ना, एक सवाल आता था इस तरह से, एक 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 मैच द कॉलम करके एक सवाल आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, उसमें लाइन टेढ़ी भी होती थी ना, लेकिन सही जगह भिड़ा दो तो पूरे नंबर मिलते थे। तो ये मैच द कॉलम का बिजनेस है भाई, टेलर हो आप टेलर, एक हर आदमी का साइज एक पजामा नहीं बनाओगे, मोटे का भी उतना ही, पतले का भी उतना ही, छोटे का भी उतना ही, बड़े का भी, ऐसा नहीं है। तो आप किस व्यक्ति को किस आधार के ऊपर नापेंगे, तो लोक व्यवहार में ये दोनों किताबें इतना मैजिक क्रिएट करने वाली है राजेंद्र जी, मैं आई टेक माय वर्ड्स, मैं जितने भी साथी सुन रहे हैं आप समझ लेना वेस्टीज को आज आपने ज्वाइन किया, इस अगले 15 दिन मैं जो आपको भेज रहा हूं, जो सीरीज भेज रहा हूं, आप एक बार सुन लेना, और दो किताबें नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, आई गारंटी यू, यू विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल, यू विल बी ऑन अ डिफरेंट माइंडसेट, और तीन जो माइंडसेट मैजिक
जो एसबीसी के टाइप जो सक्सेस बाय चॉइस है, गो डायमंड वर्कशॉप में आपने अटेंड किया है, वो तीन ऐसे सेशन है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूं उनको करके देखकर लोगों तक पहुंचा के, एंड आई नो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दैट। सो ये आपके इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। नेक्स्ट इस और आप उन्हें एक चीज, एक चार्ट बना के देंगे राजेंद्र जी, जो है FAQ, frequently asked questions। ओके कोई पूछ रहे हैं कि लोक व्यवहार का इंग्लिश वर्जन क्या है, मैं आपको बता दूंगा सर, लोक व्यवहार का इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हाउ टू इन्फ्लुएंस, राजेंद्र जी तो मैं आपको बता, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजेंद्र। वो आप उस पे जाके, चार्ट पे जाके दोनों आप किताबें, जो जो वीडियोस मैं आपको भेजूंगा राजेंद्र जी, आपने उसको क्लब करके एक व्हाट्सएप बना के आपने सारे नेटवर्क को भेजना है। क्लियर हो गया राजेंद्र जी? श्योर सर, श्योर। और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहते हैं ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको चीज पता चल गई तो आपने इसको बस ब्रॉडकास्ट कर दो लोगों में, और इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। नाउ आगे चलते हैं, FAQ, frequently asked questions, ये ऐसी शीट है 10 questions की, जो उसको पहले दिन ही WhatsApp पे दे दो, प्रिंट आउट दे दो कि भाई जब आप इस बिजनेस में हम काम करेंगे तो आपको फील्ड में ये वो सवाल हैं जो आएंगे ही आएंगे। और भाई साहब मैं बता दूं कि भाई पहाड़ों पे जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, भाई साहब पहाड़ बारिश में हिल जाता है, स्लाइड हो जाता है, अब एकदम से उसकी आंखें तो नहीं फट जाएंगी, उसको कोई एकदम से हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओ भाई साहब पहले अरे कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है उसको बता दो भैया, पीछे ऊपर से बर्फ भी टहल सकती है, उसके सारे के प्रिकॉशंस मेजर FAQs बता दिए जाते हैं, क्या मेजर प्रिकॉशन से पहले बता दी, समझा दी जाती है, राइट, ताकि उसको कोई ये दिक्कत ना लगे, क्या ताकि उसको ये ना रहे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो ये सवाल पूछे ही नहीं, ये तो सर ने बताया ही नहीं। तो आपको वो 10 या 12 या 15 क्वेश्चंस अपने हिसाब से राजेंद्र जी लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं टाइप करके आपको भेज दूंगा, राइट। ये कुछ ऐसे सवाल जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अक्सर पूछा करते हैं, राइट, जैसे नंबर, बिल्कुल पूछते हैं, क्या क्या सवाल पूछते हैं राजेंद्र जी आपको, कितना आता, सबसे पहला तो सवाल यही होता है आपको कितना आ रहा है, कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे फर्स्ट सवाल ये होता है आपको कितना आ रहा है, आता नहीं आपको क्या आ रहा है, बिल्कुल जवाब मैं दे दूंगा आपको क्या आ रहा है, राइट। इनके जवाब क्या देने हैं वो मैं सेशन करने वाला हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूँ, उनको बोलो जब भी ये सवाल आएंगे तो आप चिंता मत करना, हमारे पास इसके सबके जवाब हैं, ये सवाल आते ही आते हैं, लोग पूछते हैं और देखो मैं इन सवालों से होकर गुजरा हूं तभी तो आज मैं यहां हूं, तो चिंता मत करना, यदि ऐसा सवाल आए तो समझ लेना आप सही जा रहे हैं, लोग ऐसा ही पूछते हैं। और ये सवाल पूछते कौन है, ये सवाल वो पूछते हैं जो अभी तक सही कंपनी तक नहीं पहुंचे, पहली उनको नेगेटिव प्रूफिंग कर दो, पहली बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दो, पता है कि वे सामने से गोली आएगी, पहली बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दो, क्या दिक्कत है, बजता रहे जो बज रहा है, गोली क्या असर करेगी, पहली बंकर में डाल दो ना, क्या बम फाड़ेगा उसका, बिल्कुल सर भाई, उसको पता है स्कूटर चला रहे हो, पहली आदमी बताता भाई हेलमेट जरूरी है, बेल्ट सीट बेल्ट जरूरी है, उसको हेलमेट पहना दो, सीट बेल्ट लगा दो, सही से उसकी प्रिकॉशन कर दो ताकि बाहर के सवालों का फर्क ना आए, राइट जी। कंपनियां भाग जाती हैं जी, मैंने किसी को कामयाब होते हुए नहीं देखा जी, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते जी, ये मेरे लेवल का काम नहीं है सर, ये तो ये इसमें तो शायद गरीब गुर्गे लोग काम करते हैं सर, इसमें अनपढ़ लोग काम करते हैं सर, ये शायद दिल्ली में चल रहा है, राजस्थान में नहीं चल रहा होगा सर, बहुत सारी कंपनियां अभी तक आई है, राइट सर, इसमें समय बहुत लगता है सर, इसमें मेहनत बहुत लगता है। कोई भी ऐसे सवाल जो अभी आपके पास भी है वो सवाल लिख लो, और वो सवाल आपने सर पार्ट टाइम में कैसे हो सकता है, 5 साल में 5 लाख की इनकम कैसे आ सकती है, राइट, उन्हें नहीं पता इस बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन क्या होता है, उनको नहीं पता लीवरेजिंग और कंपाउंडिंग क्या होती है, तो आपके पास वो टॉप 10 सवाल या टॉप 15 सवाल आप उन्हें पहले लिख के दे दो, ताकि आदमी को ये ना रहे यार ये तो मुझे बताया नहीं कि ऐसा भी होता है, राइट। अगला सवाल प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर, राइट, प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर क्या सवाल है, आपको पता ही है कि सर ऐसा कैसे है, मार्केट में तो ऐसा है, उतने का है, फलाने का है, ढिकाने का है, तो आप उन्हें कंसिस्टेंसी के लाभ क्या है, वो सारी की सारी चीजें आप उन्हें उस सवाल से गुजरेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट कैसे और कैसे काम करते हैं। राजेंद्र जी क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही सर, राइट, ओके सर, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग सवाल करेंगे आपको, अरे सर आप कह तो ठीक रहे हो, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, प्लान तो बहुत अच्छा है, पर दिक्कत तो ये ना मेरे पास तो टाइम नहीं है भैया। अच्छा भाई टाइम नहीं है तो आप जरूर करो इस बिजनेस को, क्यों? क्योंकि ये पार्ट टाइम में किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आज अकेले काम कर रहे हो,
लेकिन धीरे धीरे महीने में भी, मैं कहता हूँ आपने महीने, पूरे महीने भर में भी आपने दो लोगों को, एक आदमी को प्लान दिखाया, कितने आदमी को प्लान दिखाया राजेंद्र जी? एक आदमी को, राइट? आप महीने भर में एक से दो होते हैं, महीने भर में क्या होते हैं, एक से दो प्लान, मतलब आप एक, अगले महीने दो हो गए और एक दूसरे महीने, जी बिल्कुल, पहले बिल्कुल। पहले में सर वॉइस आपकी ब्रेक हो गई है सर, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, महीने दो, पहले महीने दो, अभी एक सेकंड होल्ड करना राजेंद्र जी प्लीज, जी 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 अभी आ रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा कोई बात नहीं, वो टावर कहीं पे आपसे सिग्नल नहीं होता। सो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप एक से दो होते हैं एक महीने में, दो से चार दूसरे महीने में, तो पहले महीने दो हुए, ध्यान से सुनना बहुत कमाल का मैजिक बता रहा हूँ, पहले महीने दो हुए, अगले महीने चार, तीसरे महीने आठ, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, राइट? एंड 11वें महीने में आप हो गए आके 2000 और 12वें महीने में आप हो गए लगभग लगभग 4000। राजेंद्र जी समझा आपने मेरी बात? नहीं समझा? बिल्कुल सर। सर ये कैसा जबरदस्त इलस्ट्रेशन है जो लोगों को कंपाउंडिंग बताता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नए आदमी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना बहुत जरूरी है, ये मैथमेटिक्स लिख लो इसको, पहले 15 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको उसको बताना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अदरवाइज आदमी तो इसी उलझन में रहता है, अरे ये तो कुछ लोग कर सकते हैं, लकी लोग कर सकते हैं, इनका नेटवर्क इतना कैसे बन गया यार, पार्ट टाइम करते करते कैसे पहुंच गया, हाँ तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। नहीं, दे आर नॉट नोइंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप एक से दो होते हैं महीने में, दो से चार होते हैं अगले महीने में, चार से आठ होते अगले महीने में, 816 होते हैं, 32 होते हैं, 64, 128, 256, एक साल के लिए लिख लो, आप लिख के देख लो, एक साल आप एक साल 12 महीने में लिख के तो देख लो, लगभग 4800 लोग होते हैं सर। बिल्कुल 4800 लोग होते हैं, और मैं कहता हूं इसका 50% भी कर लो आप तो कितने लोग हो गए राजेंद्र जी? 2400 लोग। मैं कहता हूं इसका भी 50% कर लो, 1200। अरे 1200 लोग 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैं गारंटी करता हूं जितने आप पूरे महीने में तनख्वाह कमाते हैं उससे ज्यादा इनकम वेस्टी से आपको आ रही होगी। बिल्कुल सर। पर दिक्कत क्या है, साल में कमाते सर उतना महीने का आएगा, महीने का बस जुड़ गए, लग जा बेटा काम पे, तू भी जुड़ गया, तू भी चला बेटा हल, तू भी जुड़ जा खेत में। ओ मेरे भाई, मैं कहता हूं कि गांव का किसान जानता है कि यदि कोई 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 बैल है, बैल, यू अंडरस्टैंड, बैल जिसको सिर्फ दो वक्त की सानी चारा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उस दो वक्त की चारे सानी के लिए भी खाने के लिए यदि बैल को उसने हल में लगाना है तो उसको पहले आदत में डाला जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको आदि किया जाता है, उसको डायरेक्शन दी जाती है। पहले दिन नया नया कोई भी ऐसा पशु जिस जो खेती के इस्तेमाल करते थे किसान पहले, आज तो खैर कम है, लेकिन उस समय पर भी ये डायरेक्शन सिखाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक एक कहते ना कि भैंसा बुग्गी चलाने की भी आदत और डायरेक्शन दी जाती है। सर आप तो जीवन को डायरेक्ट करने की बात करते हो, आप तो इतने बड़े नेटवर्क बनाने के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों जाते हो ड्राइविंग स्कूल सीखने आप? क्यों सीखता बच्चा साइकिल? क्यों सिखाते हो बच्चों को साइकिल आप? क्यों सीखने की जरूरत पड़ती है उसको? क्योंकि पता है भाई पहली बार चला रहा है, उससे कुछ गलतियां होंगी, उसको पहले 15 दिन 20 दिन कुछ सपोर्ट और सहारा चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने नए नेटवर्क को ये 15 दिन का फिर उन्हें दीजिए, बहुत अति आवश्यक है। बाकी कुछ मिसलिनियस वीडियोस हैं जो मैं आपको एक सिलेबस के रूप में मैं आपको बना के पूरा दे दूंगा, पॉप सिंह सर को दे दूंगा, राजेंद्र जी को दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप सबसे, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप इस 15 दिन के अंदर प्लीज चेक योर नेटवर्क कि वहां पर कहां पर उन्हें क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें उनको पहुंचनी आवश्यक होती है। राजेंद्र सर क्लियर हुई मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है सर। राइट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट, और नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स एक स्लाइड में आपको दे रहा हूं, वो ट्रेनिंग आपने उनको करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, राइट, मैं मेरे पास वो है, मैं आपको दे दूंगा वो, आप उस नए व्यक्ति को रिकॉर्ड उसको करके, मैं अभी 2-4 दिन में रिकॉर्ड कर दूंगा उसको, वो भी मैं आपको भेज दूंगा,
ताकि उसको पता हो कि यार इस बिजनेस में लोग शामिल क्यों होते हैं, राइट। इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो नौकरी में लोग कह रहे हैं जी नौकरी से भी बढ़िया है, कोई कह रहा है जी बिजनेस से भी बढ़िया है, कोई कह रहा है जी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बिजनेस है। आखिर ऐसा क्या पॉइंट है जो नए आदमी के शब्द में, संज्ञान में, उसकी डिक्शनरी में पहुंच जाए, जो मुझे और आपको ही पहुंचाने हैं। सो दिस इज व्हाट जो मैंने आज आपसे चर्चा करने का प्रयास किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसको इस 15 दिन के अंदर कोई ना कोई आपका इवेंट, कोई ना कोई सफल सक्सेस सेमिनार आपके लिए नेटवर्क कराते रहते हैं, उसमें उन्हें शामिल कीजिए। जो बड़ी CNT हो रही है उसमें उसे शामिल कीजिए, उनको बोलिए आपको 2 प्रोग्राम तो 15 दिन में अटेंड, 2 से 3 प्रोग्राम तो आपको अटेंड करने ही करने हैं। राजेंद्र जी क्लियर हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। तो आप इस तरह से प्लीज इस सिलेबस पे अपने नेटवर्क को लेकर आइए और आप देखिए फिर नेटवर्क में क्या चीजें आपके लिए आगे बढ़ती हैं और किस तरह से नेटवर्क आपकी ड्राइव को अंडरस्टैंड करता है। सो आई होप जो चीजें अभी मैंने जी आई होप जो सर एक चीज मैं क्लियर सर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा सर मैं। जैसे कुछ लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं जो अपना वीकली जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर में, तो काफी सारे लोग अपनी टीम को कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं उसके अंदर में। सो मैं ये आपके माध्यम से लोगों को ये मतलब बताना चाहता हूँ या आपके माध्यम से ये मैसेज दिलवाना चाहता हूँ सर कि लोगों को अपनी टीम को बड़े जो इवेंट होते चाहे वो CNT प्रोग्राम हो रहा हो या फिर जो भी सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम हो रहा हो उसके अंदर में यदि वो लोग अपनी टीम को इन्वॉल्व करेंगे तो उससे उनको क्या बेनिफिट होगा सर? तो ये आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ सर। इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट में आता है ये ट्रेनिंग। आप मैं राजेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोकेश सर से इस सब्जेक्ट के बारे में एक बार उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम लीजिएगा, है ना। इवेंट अटेंड करना क्यों जरूरी है, मैंने बुक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, मैंने एक ट्रेनिंग करी थी आपके लिए, याद है आपको? जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इवेंट क्यों अटेंड करना जरूरी है, वैसे तो मोटी मोटी बात समझ लीजिए सर, बहुत आवश्यक है। और ये बिजनेस जब आप देखिए किसी सक्सेसफुल पर्सन को सुनते हैं, एक्चुअली बातें तो मैं भी वही कह रहा हूँ, राजेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, जब आप वही सेम बातें आपका नेटवर्क किसी अन्य लीडर से सुनता है, सफल लीडर से सुनता है, तो एक्चुअली में उनका विश्वास बढ़ता है कि ये बात जो कह रहे हैं ना बार बार ये करो ये करो ये करो, तो उसके माइंड में फुटप्रिंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यार जो कहा जा रहा है ना वो हमारी भरे के लिए कहा जा रहा है और एक आवश्यक चीज होगी, तभी इतने सारे लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, और नए लोगों का विश्वास बढ़ता है यार कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, इतने सारे लोग सिस्टम में हैं और जो सेमिनार आयोजित किए जाते थे लॉकडाउन से पहले उसको करने का पर्पज भी यही था, शक्ति प्रदर्शन, लोगों को लगे इवेंट वेस्टीज, इतने बड़े बड़े इवेंट ताल कटोरा में, त्यागराज में, इंदिरा गांधी में, क्या जरूरत है वेस्टीज को करने की? यदि आप वेस्टीज की यदि आप MD साहब से भी बड़ी सोच रखते हो, यदि आपको लगता है कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो सर बाली ये बात तो पहले बाली साहब को समझ में आनी चाहिए। आपको पता है इंदिरा गांधी स्टेडियम कितने में बुक होता है? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए फीस है उसके सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अब आप तो और वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर वहाँ पे। कॉस्ट हो रहा है 10-5 रुपए का, 2-4-5 रुपए का इंटरनेट लगता है, पहले तो जाना पड़ता था, टिकट थी, मारा मारी थी, लेकिन भाई साहब बचत तो कंपनी, मैं कह रहा हूँ कि फिर भी चलो आज तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले तो कंपनी की इवेंट करती थी ना और पूरे इंडिया में करती थी। बिल्कुल, तो ये इवेंट तो पहले कंपनी को बंद कर देने चाहिए। अरे आज की रेट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कंपनियां हैं, जब वो मेरे भाई, हाँ, इस 15 दिन में एक इम्पोर्टेंट बात और जो आपने मुझे आपने से बता दी, खैर मुझे ध्यान नहीं रहा लेकिन फिर भी अच्छा रहा जिंदगी आपने मुझे बता दिया सर, इस 15 दिन के अंदर आदमी को एक चीज का आभास और देना है कि इस बिजनेस में यदि आपको कामयाबी लेनी है तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना, प्लीज फ्रीज में रख दो, ठंडे बस्ते में रख दो उसको, उस पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, हाईवे बने हुए हैं, प्लेन उड़ने के लिए तैयार है, ट्रेनें चल रही हैं, सब कुछ बना बनाया सिस्टम है। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट क्रिएट योर व्हील अगेन। और ये सुनो, अरे हाँ हाँ, सुनो राजेंद्र जी, कमाल हो गया, शुरुआत के साथ गलतियों का हिस्सा है, कभी सुनी नहीं ढंग से, अपना पहिया चक्कर ना बनाए, पहले दिन ही क्लियर है वो, बिल्कुल पहले पॉइंट पे ही क्लियर है सर कि खुद का चक्कर ना बनाए। दिक्कत तो क्या है ना, आदमी सुनता है एक कान से दूसरे कान को रखता है, छेद उसमें बड़ा सा है ना, सब अपने आप हो जाएगा, छू मंत्र है, आबरा का डाबरा लाइफ चल रही है लोगों के ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं मॉड्यूल इतने महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मैसेज के साथ है, प्लीज फॉलो इट, एंड आई होप ये 10 दिन का कमिटमेंट चार्ट
उन जब आप नए डाउनलाइन के साथ फॉलो करोगे, मैं अश्योर करता हूँ इतना ज्ञान, इतनी बातें, इतना मेंटल करेक्शन, इतना अलाइनमेंट, इतनी डेड, इतना क्लियर कट, कहते हैं ना बिल्कुल प्रायोरिटी सेट हो जाएगी उसके माइंड में, क्लियरिटी बहुत होगी, उसके सवाल बिल्कुल जो उसको परेशान करने वाले वो साइड हो जाएंगे, और जब उसको सवाल नहीं होंगे तो आपको 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 सिंपल रहेगा, आसानी रहेगी, नेटवर्क में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, नेटवर्क में बॉन्डिंग क्लियरिटी होगी, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है इसमें क्या करना है, उनको पता है कि इसमें क्या नहीं करना है। जब ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो राजेंद्र जी ये तो फाइनल है कि आदमी क्रिकेट के बल्ले में हॉकी से नहीं खेलेगा। बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है। अरे क्रिकेट के मैदान में हॉकी लेके नहीं आएगा, बल्ला ही लेके आएगा सर वो। हाँ बल्ला लेके आएगा बिल्कुल ठीक है। और आधे लोग तो हॉकी के क्रिकेट के मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो गुल्ली डंडा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मैं वही कहने वाला था। हॉकी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, क्यों पॉप सिंह जी? हॉकी तो फिर भी ठीक है पॉप सिंह जी, गुल्ली डंडा खेलने आ रहे हैं वैसे, गुल्ली डंडा सोचो। क्या बात है। चलो कई बार ट्रेनिंग जो है ना आप लोगों के सारे अपने आप ही कुछ अच्छी दिशा में चली जाती है। सो बहुत अच्छी शेयरिंग रही सर आप लोगों की, थैंक यू सो मच। तो राजेंद्र जी बाकी इस ट्रेनिंग के पॉइंट्स बना लीजिएगा और मुझे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पॉप सिंह सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी खूबसूरती से समझाने का प्रयास किया हम लोगों को, और जहां तक लग रहा है सर कि ये ट्रेनिंग पूरी तरीके से मेरे लिए भी रिवाइज हुई है, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मैं खुद भी इनको मिस कर देता था या अनसी उनको करता था, तो वो सारी चीजें अब कॉन्शियस होकर के करनी, और बहुत सारे जो हमारे आज के साथी जो इस मीटिंग के अंदर में पार्टिसिपेट हुए उनको ये क्लियर हुए पॉइंट कि हमें क्या किस तरीके से नेटवर्क में शुरुआती टाइम पे किस तरीके से हम अपने नेटवर्क को हमें बढ़ाना चाहिए। तो सर यदि आपको राजेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा रोक रहा, आपको आपको पॉप सिंह सर, आपको या आपके नेटवर्क के लीडर्स को कहीं पर भी यदि टीम मतलब लोग उसे परेशान कर रहे हो, ग्रोथ से ज्यादा सवालों में उलझे हो, राइट, ऑब्जेक्शन में घुसे हुए हो, डाउट में पड़े हुए हो, तो समझ लेना उसने एनडीएस ना सुना है, उसको दोबारा सुनने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, दोबारा से उसको बेसिक में पहुंचने की जरूरत है सर। तो सर बेसिक हमेशा रिवाइज होने चाहिए, और देखो आप कितने ही बड़े हो जाओ, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको पता है ना बिना स्टेमिना के काम नहीं चलेगा, तो स्टेमिना तो पकड़ के चलना पड़ेगा भाई, है ना। फुटबॉल खेल रहे हो, जीभ निकल जाए, फेफड़े बाहर आ जाए और आपको स्ट्रेचर पे उठा के लेके जाया जाए, तो सोचो ऐसे लोग आते हैं इस बिजनेस में, फेफड़े फूल जाते हैं, उनके स्ट्रेचर पे लेट जाते हैं, अरे सर हो नहीं रहा, चल नहीं रहा सर, ये तो ये कह रहे हैं, इसका क्या बोलूं सर, ऐसे उसका क्या जवाब दूं सर। एक बार बता दिया ना भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है सर, दिल्ली ही रहेगी सर, वो बदलेगी नहीं अभी। हाँ ये तभी तो चार बार पूछा मैंने सवाल, क्योंकि आपने अगली बात बताई नहीं मुझे, क्योंकि आज पूछोगे तो भी दिल्ली है, जब तक सरकार ना बदल दे तब तक तो दिल्ली है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जब सवाल एक है और उसका जवाब भी एक ही है, तो क्यों ना मैं अपने नेटवर्क में सारे नेटवर्क को उस एक तरह के सवाल के लिए उस एक तरह के जवाब को मैं उसे दे दूं, कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया रहेगा सर ये, नहीं तो आप हमेशा उलझे रहेंगे, सर अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसा करूं, क्या करूं, नई ट्रेनिंग करूं सर, कुछ नया बताओ ना सर, कुछ नया क्या करूं, नया एक काम करो, सुरंग खोद दो यहां से लेकर लाल किले तक, नया सुरंग खोद दो, क्या दिक्कत है, निकल जाओगे कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल ठीक है सर, प्लीज लेट्स फॉलो द बेसिक एंड अपने नए नेटवर्क को ये कमिटमेंट शीट उसके साथ फॉलो कीजिए, लॉ ऑफ एवरेज उसको पहले बता के चलो भाई, 10 को बताओगे 10 के 10 लोग बात नहीं सुनेंगे, पहले ही बता दो ना, वो पहले वो कहे अरे सर मैं तो 2 को बताया, दोनों ने मना कर दिया, आप तो कह रहे हो बिजनेस बहुत अच्छा है, दरअसल आपने बताया नहीं बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, दुनिया के कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें 10 लोगों को बताओ और 10 ही कर ले। क्लियर हो गया नहीं हो गया सर? बिल्कुल बिल्कुल। इस शीट में एक चीज और लिख लो राजेंद्र जी, मैं उसको भूल गया क्योंकि मैं बस बिना स्लाइड की बात कर रहा हूँ आपसे, एक चीज और लिख लीजिए, उनको बोलिएगा सर आप एक सर्वे है, आप 50 लोगों के नाम लिखिए और 10 तरह के काम चुनाव कर लो, आप 50 अपने बेस्ट दोस्तों का नाम लिख लो और 10 तरह के सबसे बेस्ट काम चुन लो, जैसे जी आपको लगता है वेस्टीज तो
फैमिली है, चलो आप 10 ऐसे काम चुन लो, रेस्टोरेंट खोलूंगा, जूते की दुकान खोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलूंगा, गारमेंट का काम करूंगा, जो दुनिया के आपको लगता है अरे ये ऐसा काम तो ये है। हाँ राजेंद्र जी, जो आपको क्या लगे जी, जी सर ये कोई काम है, ये दुनिया का एक ऐसा काम है जो ये काम है जी, काम तो साला ये है, ये कोई काम है, तेल शैंपू बचा लो, काम तो ये है। तो मैं आपको कह रहा हूँ सर ऐसे 10 काम चुन लेना और अपने 50 बेस्ट जो आपके बिल्कुल कहते हैं ना एक दांत काटी रोटी वाले दोस्त, लंगोटिया यार, आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, उन 50 के नाम लिख लेना। और अब एक काम करना है, 50 के 50 को फोन करना है और सबको ये पूछना है कि भाई जूतों का बिजनेस खोलने जा रहा हूं कैसा रहेगा। तो कुछ कहेंगे या कमाल कर दिया ये तो बड़ा काम है, तो बड़ा जबरदस्त काम है, कुछ कहेंगे जबरदस्त काम है, कुछ कहेंगे यार देख ले तेरी मर्जी है, कुछ कहेंगे भाई साहब मैंने तो कभी सोचा नहीं, कुछ कहेंगे यार मैंने तो ऐसे लोग देखे जो मक्खी मारते रहते हैं इस काम में, कुछ कहेंगे इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ कहेंगे भाई साहब जूते के काम में तो जूते खाने पड़ते हैं। तो सबके अपने अपने विचार है राइट, 50 के 50 लोगों की राय एक मिल जाए ना राजेंद्र जी, एक मिल जाए। और कौन से काम, काम वो जो आपने चुने, ये तो चलो मैंने बताया आपको भाई वेस्टेज कर लो, चल तू बता मुझे 10 काम कौन से बेस्ट तुझे लगता है राइट, उसे क्यों, उसमें क्या दिक्कत होगी करने में, बाद में छोड़ो पैसा लगता ये, तू एक काम कर इस 10 काम के बारे में 50 अपने बेस्ट दोस्तों से पता कर ले, यदि 50 के 50 सारे काम के प्रति अपनी राय करें वाह मजा आ गया बहुत बढ़िया, सारे एक नहीं बोलेंगे सर राइट राजेंद्र जी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, हाँ या ना? और काम कौन से नहीं बोलेंगे सर, सबके सब हाँ नहीं बोलेंगे, आपने बेस्ट चुने काम वो जो आपने बेस्ट चुने, मैं उसके बाद बता रहा हूँ आपको हाँ नहीं, हाँ, हर किसी से हाँ मिलने वाली नहीं है। तो वेस्टेज भी क्या है, ये भी एक काम है, हम तो कह रहे हैं हमारे हिसाब से बढ़िया है, लेकिन सबके हिसाब से बढ़िया नहीं होगा, नहीं है। तो करना क्या है, इसीलिए आया है लॉ ऑफ एवरेज, ये हमने लिखा, ये उन व्यापारियों ने लिखा जिनके बड़े बड़े टाइकून है, जहाज है, अरबों की संपत्ति है, ये उन्होंने लिखा है लॉ ऑफ एवरेज LOA। दुनिया में हर आदमी हर काम को नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में किसी काम को कोई नहीं, कोई कोई भी नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। राजेंद्र जी यदि आज से आप ये अपने बिल्कुल अपने सर इसका अपने जी 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 इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है सर कि एक शॉप है जिसका एडवर्टाइजमेंट ऐश्वर्या राय जी करती हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग उस शॉप को देखते हैं उस एडवर्टाइजमेंट में और शायद काफी सारे लोग ऐश्वर्या राय जी को पसंद भी करते हैं एज एन एक्टर और उनको काफी फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे उनके फैन ऐसे होंगे जो उस शॉप का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो ये तो सर उनके साथ भी लागू है। और उन्हें पता भी है, सुनो जी उन्हें पता भी है जी बिल्कुल, उसके बावजूद भी वो प्रचार दिखाते हैं भाई। अच्छा चलो छोड़ो, हेमा मालिनी ने एड दिखाई कैंट कार लीजिए, बिल्कुल, तो क्या टीवी से बाहर निकल के गर्दन पकड़ लेती है, मैंने कैंट बोला था तुम रेंट पे रह रहे हो? बिल्कुल नहीं सर, राइट सर, सो बातें वही है सर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमें आता है, लेकिन नए बच्चे को हमें अपने परिवार के नियम कानून पत्रावली डिसिप्लिन एक्शन डूज डोंट्स क्या सीखना है, ये आपको फ्री लुक पीरियड में उसे जरूर देने हैं, उसके बाद उसकी इच्छा है, ता जिंदगी आपको याद रखेगा, जिस दिन वेस्टेज करना चाहेगा और जिस दिन उसके फ्रेम में चढ़ेगा उस दिन वो बाकी गलतियां नहीं करेगा, अदरवाइज ता जिंदगी आपको परेशान करेगा, ता जिंदगी आपको लंबे समय तक आपको परेशानी में डाल रहा होगा, हर समय उदास मुद्रा में बैठा होगा, क्योंकि मेंटल वर्ल्ड पुअर है, मेंटल वर्ल्ड कैसे स्ट्रांग बने, मैजिकल माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो आपने दे दिया, बाली साहब को सुनवा दिया, इवेंट्स दिखा दिए, सक्सेस दिखा दी और तमाम बातें दिखा दी, बाकी चीजें और मैं आपको बता दूंगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच पॉप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉप सिंह सर, बाकी राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एक बार चाहूंगा जी हाँ एक बार चाहूंगा हमारे जितने भी लीडर्स हैं सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें और थैंक्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में सर के लिए कि इतनी खूबसूरती से हम लोगों को बताया और आप सब इस चीज को फॉलो करेंगे, बाकी की बातें मैं चाहूंगा कि हमारे पॉप सिंह आर्य सर हमारे गुरु आगे कंटिन्यू करें, सो ओवर टू यू पॉप सर। थैंक यू राजेंद्र पाल जी, आपने ऑर्गेनाइज किया, और थैंक यू करना चाहूंगा पाल सर का जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दी 15 दिन का जो फ्री लुक पीरियड के बारे में बताया, और वास्तव में ये बहुत जरूरी है,
फिर लोग जो आज ये बातें बताई और हम जो बुक्स पढ़े हैं लोक व्यवहार वाले सवाल ही जवाब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जो है मार्केट में आते हैं जब हम करते हैं तो जैसे बताया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा या हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल कि भाई हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा वो अपने आप में कर देते हैं क्योंकि वास्तव में उनके पास में वो ट्रेनिंग नहीं है। 15 दिन की वो ट्रेनिंग अगर इनको मिल जाए तो वास्तव में वो सवाल जो है उनके नहीं होंगे, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है इसलिए क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? ये ऐसी मिलेगी ट्रेनिंग के सेशन के माध्यम से, जब उनको एक बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और वाली सर के जो VIP प्रोग्राम 3 पार्ट्स हैं उनको जब सुनाया जाएगा तो वास्तव में उनको पता चल जाएगा कि इस वेस्टेज को क्यों करें, वो सारे उनके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे और धीरे धीरे वो आप यहाँ पर सब काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू राजेंद्र पाल जी, थैंक यू सुखपाल सर, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ट्रेनिंग दी, थैंक यू। और बाकी लीडर्स को अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, कल हमारे टीम के कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसे सुबह एक मॉर्निंग में सेशन है 6 बजे जो कि हमारी टीम के काफी सक्सेसफुल लीडर कर रहे हैं, और एक शाम को सेशन होने वाला है शाम को 7 बजे जूम पे ही है सक्सेस मंत्रा, उसका लिंक मैं अभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और ये जो सक्सेस मंत्रा होने वाला है ये मिस्टर सरोज पानीगरी है जो कि यूथ आइकॉन है वेस्टीज में और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए से ज्यादा की महीने की इनकम लेते हैं वेस्टीज में और बाय प्रोफेशन MBA रहे हैं, बाकी काफी सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर में। सो मैं चाहूंगा कि आप सब उस सेशन के अंदर में भी अटेंड हो अटेंड करें और अपनी टीम के साथ में अटेंड करें और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच लीडर्स मेरी तरफ से, बाकी सर अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो बस मैं मैसेज एक और ये कि अगले हफ्ते से आपको सुबह मैजिकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में शुरू कर रहा हूं, ये लगातार 5-7 दिन की वर्कशॉप होगी 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक अर्ली मॉर्निंग में, तो उसके लिए आपको लिंक जल्दी आ जाएगा और 1000 लोगों का लिंक होगा तो आराम से लोगों को व्यवस्था भी हो जाएगी। सो अभी अगले हफ्ते में या कल परसों में अनाउंस होने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू अ लॉट, मॉर्निंग में 6 बजे के सेशन में, थैंक यू, विश यू वेल।